हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर आप लोग भी इस अप्रैल के महीने में अपने लिए कोई नया स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैंने जिन टॉप 3 स्मार्टफोनों को सेलेक्ट किया उसमें आप लोगों को बेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर भी देखने को मिल जाता है और आप लोगों को वन ऑफ द बेस्ट कैमरा सेटअप भी देखने को मिल जाता है। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। आप लोग कोई फोटोग्राफी का बहुत ज्यादा शौक है और लेना चाहते अपने लिए कोई बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन, तो थर्ड नंबर पर जिस स्मार्टफोन ने जगह बनाई हुई है वो हमारा आता है Realme की तरफ से, Realme का 8 Pro। इस स्मार्टफोन के प्राइस की अगर हम बात करें तो 17,999 रुपए के प्राइस में आप लोग इस स्मार्टफोन को भी ऑनलाइन मार्केट से बाय कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस स्मार्टफोन के अगर स्पेसिफिकेशन की बात करी जाए तो इस स्मार्टफोन में आप लोगों को लेटेस्ट एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं इस स्मार्टफोन के अगर प्रोसेसर की बात करी जाए तो Realme के 8 Pro में आप लोगों को ऑक्टा कोर वाला 2.3 GHz प्लस 1.8 GHz वाला क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि परफॉर्मेंस वाइज आप लोगों को इस स्मार्टफोन में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती। इसके साथ साथ इस स्मार्टफोन के अगर मल्टीटास्किंग की बात करी जाए तो Realme के 8 Pro में आप लोगों को 6GB की रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। वहीं इस स्मार्टफोन के अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो Realme के 8 Pro में आप लोगों को 6.4 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसमें आप लोगों को 60Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता। वहीं इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले में आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। वहीं इस स्मार्टफोन के अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो कैमरे के मामले में यह स्मार्टफोन बेस्ट है, क्योंकि इस स्मार्टफोन में आप लोगों को बैक में क्वाड रियर कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है। जो मेन हमारा प्राइमरी कैमरा निकल के आता है वो 108 MP का देखने को मिलता है, बाकी के 3 कैमरे आप लोगों को 8+2+2 MP के देखने को मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ। साथ ही साथ सेल्फी की अगर बात करी जाए तो इस स्मार्टफोन में आप लोगों को 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वहीं Realme 8 Pro के अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो इसी स्मार्टफोन में आप लोगों को 4500 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। 50W का डर्ट चार्जिंग के साथ आप लोगों को इसी स्मार्टफोन में USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। आप लोग भी बेस्ट कैमरा सेटअप के साथ साथ कोई गेमिंग प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो सेकंड नंबर पर जिस स्मार्टफोन ने जगह बनाई हुई वो हमारा आता है Redmi की तरफ से, Redmi का Note 10 Pro Max। इसी स्मार्टफोन के प्राइस की अगर हम बात करें तो 19,999 रुपए के प्राइस में आप लोग इसी स्मार्टफोन को भी ऑनलाइन मार्केट से बाय कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस स्मार्टफोन के अगर स्पेसिफिकेशन की बात करी जाए तो Redmi के Note 10 Pro Max में भी आप लोगों को लेटेस्ट एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं इस स्मार्टफोन के अगर प्रोसेसर की बात करी जाए तो Redmi के Note 10 Pro Max में आप लोगों को ऑक्टा कोर वाला 2.3 GHz प्लस 1.8 GHz वाला क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि परफॉर्मेंस वाइज और गेमिंग वाइज आप लोगों को इसी स्मार्टफोन में एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। वहीं इसी स्मार्टफोन के अगर मल्टीटास्किंग की बात करी जाए तो इसी स्मार्टफोन में भी आप लोगों को 6GB की रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ इसी स्मार्टफोन के अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो Redmi के Note 10 Pro Max में भी आप लोगों को 6.67 इंच की एक बड़ी सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ इसी स्मार्टफोन के डिस्प्ले में आप लोगों को 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो मतलब इसी स्मार्टफोन में आप लोगों को अच्छे गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए एक अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले के साथ साथ 120Hz का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं इसी स्मार्टफोन के अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो Redmi के Note 10 Pro Max में भी आप लोगों को बैक में क्वाड रियर कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है। जो मेन हमारा प्राइमरी कैमरा निकल के आता है वो 108 MP का देखने को मिलता है, बाकी के 3 कैमरे आप लोगों को 8+5+2 MP के देखने को मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ। साथ ही साथ सेल्फी की अगर बात करी जाए तो Redmi के Note 10 Pro Max में भी आप लोगों को 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वहीं इस स्मार्टफोन के अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए, जहां इस स्मार्टफोन में आप लोगों को एक अच्छा गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, एक अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, वहीं इस स्मार्टफोन में आप लोगों को 5020mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। 33W के फास्ट चार्जिंग के साथ आप लोगों को इस स्मार्टफोन में USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग की जरूरत एक फ्लैगशिप प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन की 20,000 रुपए से कम के प्राइस में तो फर्स्ट नंबर पे जिस स्मार्टफोन ने जगह बनाई हुई वो हमारा आता है पोको की तरफ से, पोको का X3 Pro। इस स्मार्टफोन के प्राइस की अगर हम बात करें तो 18,999 रुपए के प्राइस में आप लोग इस स्मार्टफोन को भी ऑनलाइन मार्केट से बाय कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस स्मार्टफोन के अगर स्पेसिफिकेशन की बात करी जाए तो इस स्मार्टफोन में भी आप लोगों को लेटेस्ट एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं पोको के X3 Pro के अगर प्रोसेसर की बात करी जाए
तो इसी स्मार्टफोन में आप लोगों को ऑक्टा कोर वाला 2.95 गीगाहर्ट्ज़ प्लस 2.42 गीगाहर्ट्ज़ प्लस 1.8 गीगाहर्ट्ज़ वाला क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 860 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि फ्लैगशिप प्रोसेसर है और 20,000 रुपए से कम प्राइस में आप लोगों को और किसी स्मार्टफोन में ये प्रोसेसर देखने को नहीं मिलता। वहीं इसी स्मार्टफोन के अगर मल्टीटास्किंग की बात करी जाए तो पोको के X3 प्रो में भी आप लोगों को 6GB की रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ इसी स्मार्टफोन की अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो पोको के X3 प्रो में आप लोगों को 6.67 इंच की एक बड़ी IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। वहीं इसी स्मार्टफोन के डिस्प्ले में आप लोगों को 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ इसी स्मार्टफोन के अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो पोको के X3 प्रो में आप लोगों को बैक में क्वाड रियर कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है। जो मेन हमारा प्राइमरी कैमरा निकल के आता है वो 48MP देखने मिलता है, बाकी के तीन कैमरे आप लोगों को 8+2+2MP के देखने को मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ। साथ ही साथ सेल्फी की अगर बात करी जाए तो सेल्फी के मामले में यह स्मार्टफोन दोनों स्मार्टफोन से आगे निकल जाता है, क्योंकि पोको के X3 प्रो में आप लोगों को 20MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ इसी स्मार्टफोन के अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो पोको के X3 प्रो में आप लोगों को 5160mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। 33W के फास्ट चार्जिंग के साथ आप लोगों को इसी स्मार्टफोन में USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है।